नमस्कार दोस्तों, बड़ी अच्छी सुबह के लिए बच्चों की छुट्टी हो गई है कावड़ की, तो अभी नीचे चल रहे हैं और ये देखें मेरे पीछे कितनी धाकड़ बारिश, यहाँ से नहीं दिखेगा आपको इस तरफ, ये देखें सुबह सुबह कितनी शानदार बारिश पड़ रही है। और दोस्तों ये सुबह से थोड़ी सी लेट पड़ी है, अगर ये सुबह पड़ती तो काम नहीं हो पाता बिल्कुल भी। और हमारी जो गरीब दास खाट है वो भी बुरी तरह से भीग के अकड़ गई है, ये देखें। अब मैं आपको नीचे दिखाता हूँ और अब दोस्तों खेत में नहीं जाया जाएगा, एक बार खेत में जाना था बहुत ज़रूरी, लेकिन जाया नहीं जाएगा, बहुत बुरी हालत हो गई है। मम्मी जी और पापा जी ने भी नाश्ता कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ इनके कपड़े उपड़े तह करके रखूँगा भीतर, और यहाँ पूरा काम निपटा दिया है, ये देखें। ऐसा पूरी मस्ती में है, अपना चारा खा रहा है। बस दोस्तों यही दुख की बात है कि वो अंदर वाले पशु नहीं बाहर निकल पाते, नहीं तो थोड़ी देर भैंस को यहाँ बांध दे, गाय को यहाँ बांध दे, हल्की बूंद लगे इनके तो इन्हें अच्छा लगे, कुछ इनके खुर भी घिस जाएंगे जो गद्दे की वजह से खुर इनके ख़राब हो गए हैं। तो ये देखें, यहाँ पाइप लगने से फ़ायदा हुआ, कबूतर को आराम मिला, और जो बच्चा है वो यहाँ है, जो पल पे से बारिश आ रही है वो रपट के यहाँ तक आ रही है, बच्चा यहाँ बैठा है ऊपर। तो ये देखें काली कपिला अपना चारा खा रही है आराम से, और कड़ा बारिश का पूरा लुत्फ़ उठा रहा है। और दोस्तों इस वाली टंकी में नाज इसलिए नहीं भरा गया क्योंकि अंदर वाली तो वह पुरानी टंकी बिल्कुल ख़राब हो रही है नीचे से, और दोस्तों इसकी तली भी ख़राब है, तो इसकी यहाँ से कटवा के इसमें नई तली चढ़ेगी जब जो जाके हमारा आटा इसमें घलेगा, क्योंकि दोस्तों पिछली बारिश में नीचे का जो आटा था, जो गेहूँ था यहाँ का, थोड़ा ख़राब हो गया था, फिर ऊपर का निकालना पड़ा हमें अलग से। यहाँ सारा काम निपटा दिया है, देखें बिल्कुल झाड़ू वाड़ू लगा के फिट कर दी है, और जो इनमीना डी का रेडी रेंज रोवर है अपना चारा खा रही है, ये भी आराम कर रही है, ये पंखा चल रहा है। और दोस्तों ये वाला पंखा फूक गया है, पता नहीं उधर से उसमें पानी आया, बारिश का पानी उसमें पाइपों में को आया या कुछ भी हुआ, वो पंखा फूक गया है। बाकी यहाँ से हल्की हवा आ रही है और जगह जगह दोस्तों जाले भी महसूस हो रहे हैं। और देखो जिन्ने के ऊपर जो ममटी बनवानी चाहिए वो इसलिए बनवानी चाहिए, ये देखो जो जिन्ने में खुले में पानी पड़ रहा है, देखो कितनी सील बन गई है दीवारों के पास में, वहाँ तो प्लास्टर हो गया था, वहाँ तो इतनी नहीं बन रही, लेकिन यहाँ ज़्यादा बन रही है, और उधर उधर भी बन रही है हल्की हल्की। और दोस्तों भूसके कोठे में तो हमने इतनी लागत लगा के पेंट करवा दिया था, पुट्टी उट्टी भरवा दी थी, और बहुत बढ़िया तरह फरस वरस करवा रखा है कि अब 10 साल के लिए कोठे को जोखो नहीं है, क्योंकि जब से मकान बने थे 10 साल के बाद ही पेंट हुआ था उसमें। बाकी यहाँ सब फिट है। और दोस्तों पशुओं से संबंधित यही बात मेरे ध्यान में आई है, जैसे एक भाई ने जिक्र भी करा था कि जो गाँव में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जैसे अभी पशुओं की खरीद फरोख्त के ऊपर बात है ये, कि उसमें जो है ट्रैक्टर भी है, कोई ट्रैक्टर बेच रहा है अपना, कोई गाड़ी बेच रहा है, तो दोस्तों कुछ क्षेत्र में गाँवों में ऐसे आदमी होते हैं जो बाहर के व्यापारी को एक मौका देते हैं तुरंत पैसे आके ले जाने का, कि वो तो व्यापारी आए पैसा दिखा के रख दिया गिन के ले गए, तो दोस्तों वो क्या करते हैं उन व्यापारियों के साथ में मिल के एक रेट सेट कर देते हैं, जैसे हमारी तरह नहीं कि हम चैनल पर वीडियो डाल कर पशु किसान का 2 रुपये अच्छा बिकता है, पार्टी आ जाती है लेकर चली जाती है। तो दोस्तों जो गांव में जो व्यापारी आते हैं, पशुओं के व्यापारी हों, ज़मीनों के व्यापारी हों, या ट्रैक्टर के लोहे लंगड़ के व्यापारी हों, वो क्या करते हैं कि जो ये गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब किसी भी चीज़ का रेट नहीं लगने देते, अरे हाँ ये इतने का, ये इतने का, नूंधा नूंधा फलाना। इसका उदाहरण मैं आपको एक चीज़ से देता हूँ कि जो हमारे बड़े हैं पशुओं के मामले में काफ़ी बड़े माने जाते हैं, कि हरियाणा में 2-3 ग्रुप ऐसे हैं जिनके कटड़ों के रेट और जिनकी भैंसों के रेट उन्होंने ऑनलाइन वीडियो बना बना के मेलों में ले जाकर इधर उधर से इतना नाम कर दिया उनका कि उन्होंने करीब 9, 10, 20, 30, 40, 50 करोड़ तक भी उनकी कीमत जो है उनके सीमन से और उनके दूध से आँक दी है। क्योंकि दोस्तों दूध से इसलिए आँक जाती है, सीमन की तो एक जो आती है, एक छोटी सी जो पतला सा ट्यूब आती है, उसकी कीमत से कितने एक बार में सीमन निकल रहा है और कितना महीने में निकल रहा है और कितना साल में निकल रहा है, तो उससे काउंट हो जाती है, एक अंदाज़ा होता है। और दोस्तों दूसरा ये है कि दूसरा ये है कि
भैंस की जो दूध की कीमत लगाई जाती है और जो भैंस की कीमत लगाई जाती है, अगर 10 लीटर दूध है तो 10 या 30 गुना 2, अगर 10 लीटर की भैंस है तो 10 या 30 गुना 3 गुना 2, और गाय की बस गुना 3 रहती है। अगर 10 लीटर दूध है 10 या 30 तो 30 में वो आपको 35-36 तक मिल जाए, अच्छी नस्ल की गायें हैं, जवान है, या उस 30 में आपको 27-28 25-24-26 की मिल जाए। तो एक्चुअल कीमत जो है उसकी दूध से अगर लगाई जाएगी, अगर बांकड़ी है 6 लीटर दूध है तो 36-18। तो ये जो गणित था ये हमने कहीं नहीं सुना, ना हमने मतलब किसी ने बताया नहीं, हमने बूझा बहुत, ये हमने ऑटोमेटिक अपने अंदर से पैदा करा, अपने खुट्टे से सीखा, अपने पशुओं से। तो दोस्तों यही रहा कि फिर भैंस के दूध की तो कीमत होगी गुणा 3 गुणा 2, अगर 25 लीटर की है तो 25 की 75 गुणा 2 1.5 लाख रुपए कीमत होगी, एक कीमत होगी। अगर भैंस बहुत गजब है, नीचे बच्चा भी बहुत अच्छा है और जड़ थने भी उसके बहुत बढ़िया वाले हैं, तो 1.5 लाख तो कीमत उसकी है ही है, वो 10-20-50 हज़ार ऊपर भी बिक सकती है अपने शारीरिक क्षमता और नस्ल की वजह से, जो एक बोली भी जाती है। और आप खुद ये देखें कि जो पुरानी नस्लें हैं भैंसों की, उनमें से नस्ल मिलकर चलती है, जैसे हमारे यहाँ की देसी जाफराबादी के साथ मिलेगी तो कैसा बच्चा आएगा, राजस्थान वालों के साथ में मिलेगी अगर हमारे क्षेत्र की भैंस तो कैसा बच्चा आएगा, अगर बन्नी नस्ल जो है जो बॉर्डर पर बोली जाती है, पाकिस्तान बॉर्डर पर है, गुजरात में भी हैं वे, राजस्थान से थोड़े आउटर में गुजरात की तरफ हैं, तो अगर बन्नी को मिला देंगे देसी में, क्योंकि देसी का सींग बहुत छोटा होता है, अगर दांत की रेवा में भी जाएगा तो भी छोटा रहेगा, खुंडा भी रहेगा तो भी इतना छोटा रहता है, सबसे छोटा सींग हमारे यहाँ की जो कि बिहार यूपी वाला जो क्षेत्र है, इसका छोटा सींग मिलेगा आपको और लोया कलर मिलेगा। लेकिन दोस्तों इनमें भी बहुत भयंकर दूध के बच्चे गायों में भी और भैंसों में भी पैदा होते हैं, लगातार कोई भी भैंस दूध के की कटिया पैदा नहीं करती, वो जेनेटिकली होता ही है कि किसी में नर वाले जीन आ गए और किसी में प्योरली मादा के आ गए। तो आप खुद ये देखो कि एक मेल में, जैसे ये मेल है नर है, तो इसमें भी डॉक्टर जो है जो इसमें गुण देखेंगे वो नर मादा वाले देखेंगे, अगर इसमें नर के ज़्यादा हैं मेल के ज़्यादा हैं तो ये आगे सीमन के लिए नहीं चलेगा कभी भी, लेकिन अगर एक मेल में एक मादा के गुण ज़्यादा हैं, आप खुद ये बात माइंड से पकड़ के देखो कि ये कम क्लियर मेल है, लेकिन अगर इसमें भी नस्ल की बात करी जाएगी तो इसमें मेल और फीमेल के गुण देखे जाएंगे, ये नहीं है कि ये मेल है तो इसे बस एकदम मेल बोल दिया, नहीं, अगर नस्ल बनाने की बात आएगी तो मेल फीमेल वाला चक्कर देखा जाएगा, पूंछ की बनावट देखी जाएगी, पैरों की, फिर पीछे का जो पीछा है पीछे को निकल रहा है अंदर को घुस रहा है, पुट्ठा कितना छोटा है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पुट्ठा होना और पीछे की तरफ बड़ा हुआ होना दूध की पहचान होती है। और तो दोस्तों यही चीज़ें हैं जो बहुत चीज़ें गौर करने की हैं, और बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं कि आपको कोई पूछने से भी बताएगा नहीं, इसलिए आप मेडिकल स्टोरों पर जाओ, जो अच्छे मेडिकल स्टोर हैं उन पर आप कंसल्ट करो बेझिझक, तो जो दवाई आप घर में बनाओगे पशुओं के लिए वो आपको स्टोर पर बड़ी बनाई मिलेगी, ट्यूब के माध्यम से मिलेगी, जैसे मैंने कंधे की वो कैटगाल दिखाई, अगर मैं उसे घर नहीं बना सकता तो वहाँ से ले आओ, आयुर्वेदिक है, एक हीमैक्स आती है वो भी जख्म पर लगाने की है, सुखाने की भी गोली आती है, होम्योपैथिक दवाई भी हैं, तो थोड़ी कोशिश अपने आप से भी करें। और दोस्तों जो वो पशुओं की बात थी वो मुझे बार बार इतनी हंसी आती है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आप फिर भी उसमें फंसे हुए हैं तो वो आपकी भी गलती है, इसलिए हर चीज़ को अपने बजट से, अपने पारिवारिक क्षमता के हिसाब से, अपने जेब के हिसाब से रखें। आज का टाइम इतना महंगाई का आ गया है, अगर आपके पास में बेहिसाब पैसा है तो आप सौंप कर रहे हैं, आप महंगी चीज़ें लाकर लोगों को मंदे पैसों में दे रहे हैं तो हो गया, लेकिन अगर एक इसी चीज़ को एक मध्यम वर्गीय परिवार का या एक गरीब आदमी करता है तो उसे लोग कहेंगे कि ये मरेगा, ये नाश करेगा, क्योंकि दोस्तों अगर कोई बड़ा आदमी गाड़ी में बैठ के बियर या सिगरेट पी रहा है तो लोग कहते हैं बड़ा शौकीन आदमी है यार, ये तो बड़े लोग हैं, लेकिन अगर वही आदमी साइकिल पर या सड़क किनारे बैठ के पलौती मार के बैठ कर वो चीज़ पी रहा है तो वो कर रहा है तो लोग कहते हैं ये ख़त्म होगा, इसकी कहानी ख़त्म है। तो समाज को जो आप दिखा रहे हैं समाज वही कह रहा है, इसलिए समाज को हमेशा वो चीज़ दिखाइए जिससे समाज देख के थोड़ा अच्छे की तरफ चले,
ये नहीं है कि आप अपनी गरीबी दिखाएंगे तो आपसे लोग जुड़ेंगे, नहीं। आपका जो भी जहाँ भी आप स्टैंड करते हो, आप ईमानदारी दिखाइए, आप हमेशा आगे सक्सेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे बहुत बहुत अच्छी तरह से। तो दोस्तों अब जो है नाश्ते के लिए बार बार आवाज़ लग रही है, आप भी आ जाएं नाश्ता कर लें। तो दोस्तों आज मैंने काफ़ी देर नंगे पैर काम करा, अब मैं हाथ पैर धो के साबुन से बढ़िया तरह और जो है अपना नाश्ता करूँगा और फिर थोड़ी देर के लिए खेत में घूमना चलूँगा, बारिश बंद होगी ये देखें। और दोस्तों कई दिन से लगातार बारिश हो रही है, लेंटर भी चूने लगे हैं, जगह जगह से लेंटर से भी बूंदें गिर रही हैं। ये देखें जैसे यहाँ जोड़ है तो इस जोड़ में से आता है, तो दोस्तों इसमें तारकूल लगवाना पड़ेगा, इसकी जो दरारें हैं उनमें तारकूल छोड़ना पड़ेगा जगह जगह, तो उसका बेनिफिट मिलेगा फिर। और बाकी पशुओं को मैंने फिर थोड़ा सूखा भूस डाल दिया था सुबह, अब इन्हें नाश्ता करने के बाद में फिर दाना पानी डाल लेंगे, क्योंकि दोस्तों थोड़ा बीच में सूखा खाना भी ज़रूरी है, वो जो है एंजाइम्स उससे जो है अच्छे वाले ज़्यादा बनते हैं और जो बुरे हैं वो निकल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों जो मैं बात बता रहा था टॉनिक वाली, जो मैं इसके लिए टॉनिक लाया हूँ आपको दिखा देता हूँ एक बार। दोस्तों ये देखें 25 ml ये है और 25 ml ये देना है, आटे में मिला के चुकर में मिला के बढ़िया तरह से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखें 25 से 50 ml डेली है, डॉग काफ जो छोटे हैं उन्हें 5 से 15 ml है, बाकी 25 दे दें और जिसे ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा एज का है उसे 50 ml डेली देते रहें। एक बार ये है और एक ही बार ये है, दोनों को मिला के भी दे सकते हैं और अलग अलग मिला के भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से 50 ml की डोज है, दोनों में ब्लैक है, इसमें थोड़ा गाढ़ा है इसमें पतला है, दोनों ही आयुर्वेदिक दवाई हैं। और दोस्तों इनका इतना कमाल हुआ कि जैसे हमने इसे कीड़ों की दवाई दे रखी थी और उन्होंने पहले भी दे रखी थी और ये बहुत ज़्यादा गर्मी में चला, तो इस पर इतना चमत्कारिक वो हुआ कि फिर हमने इसे जो है इसका गोबर ठीक करने के लिए इसे बेसन भी दिया सरसों के तेल में मिला के, हमने इसे सूजी भी डाल ली, जो किसी किसी पशु को सूजी सूट आती है, तो आप जो है चने का बेसन लें उसमें जो है 1 कप सरसों का तेल मिला लें बड़े पशु के लिए, उसे जो है सुबह शाम दें, बहुत पेट में आराम मिलता है। जो अगर माप डिगे या गुलाबी फटकी लें, दूध के डंगर को गुलाबी फटकी नहीं देनी है, उससे दूध सूख जाता है, ध्यान में रखें कैसी भी फटकी नहीं देनी है, नहीं तो दूध सूख जाता है उसका। अगर दूध सुखाना ही है तो दें, नहीं तो ज़्यादा नहीं देनी है, एक आध बार दे दें, अन्यथा अगले ब्यांत में भी दूध नहीं आएगा। गुलाबी फटकी भी दे सकते हैं, मेल के लिए बहुत बढ़िया है गुलाबी फटकी, जो है वो किसी भी तरह की बदी नहीं करेगा। तो दोस्तों इसे हमने फिर वो बेसन दिया, कम आराम लगा इसके, हमने इस पर सूजी भी डाल ली, जैसी गर्मी में चलता था पतला गोबर करने लगता था। फिर दोस्तों जो हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, डॉक्टर अरुण, डॉक्टर जो कुलवीर ताऊ जी हैं उनके लड़के हैं, अब बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे पढ़े लिखे बहुत ही समझदार हैं, उन्होंने भी यही बात बताई थी कि इसे जो है टॉनिक आएंगे, ये साल्ट होने चाहिए उनमें, टॉनिक दो इसे, इसे आप जब ताकत की चीज़ दोगे तो ऑटोमेटिकली पेट में आराम होगा। मगर जी कभी ताकत की दवाई देने से ज़्यादा दस्त लग जाएँ, तो वो कहने लगे कि इसके कमजोरी में दस्त लग रहे हैं, एक तो कमजोरी थी, ऊपर से इसे कीड़ों की दवाई दे दी तो उससे जो है कुछ गर्मी में चला, ये खाना खाने का खाता ज़्यादा है तो इसका फ्लो बन गया ज़्यादा गोबर का। तो दोस्तों वही बात हुई, और जो प्रवीण डॉक्टर साहब भी आते हैं, जो हमारे पशुओं के हम जल्दी जल्दी डॉक्टर नहीं बदलते, कि ये जो गाय पैदा करी हुई थी जूस वाले डॉक्टर साहब हैं, उन्हें जूस वाले डॉक्टर साहब बोलते हैं, नाम मेरे दिमाग से उनका निकल जाता है, अब भी आते हैं वैसे लंबे टाइम तक वो रहे, ये गाय उन्हीं की पैदा करी हुई थी। और फिर दोस्तों अब जो चल रहे हैं डॉक्टर प्रवीण चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, जो सीमन लगा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने पशु के बार बार डॉक्टर बदल रहे हैं तो फिर पशु की कोई गारंटी नहीं रहेगी, क्योंकि इन्फेक्शन, हल्का सा इन्फेक्शन उनके औजारों में और उनके हाथों में भी होता है, जो कि पशुओं को लगता है। अब जो हमारे डॉक्टर साहब हैं प्रवीण दौराले वाले, वो बिल्कुल सूट हैं हमारे पशुओं को, और बाकी जितना भी ट्रीटमेंट इंजेक्शन का या हारी बीमारी का होता है वो चलता है हमारा डॉक्टर अरुण से, अगर कभी ज़रूरत पड़गी तो। बाकी छोटे मोटे मामलों में तो वो मुझे फ़ोन पे बता देते हैं, ये गोली ला के दे दो, ये दवाई ला के दे दो। और बाकी डॉक्टर जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो पशुओं का हम खुद करते हैं, वो हम डॉक्टर इकबाल हैं मोदीपुरम में, उनसे करते हैं। अगर वो भी नहीं मिलते हैं, नहीं जा पाते हैं, तो दोस्तों स्टोरों पर दवाई मिलती है बनी बनाई होम्योपैथिक ब्रिटिश वालों की, अभी वो है नहीं, मैंने आपको पहले दिखाई थी, ब्रिटिश वालों की दवाई ला कर रख लें अपने पास में, हर चीज़ की, जितने भी पशुओं के रोग हैं, जैसे होम्योपैथिक में आदमियों के अंदर रोग होते हैं उतने ही रोग पशुओं के अंदर भी होते हैं, तो बनी बनाई दवाई मिलती है ब्रिटिश वालों की, उसमें लिखा रहता है बाकायदा हिंदी में, वो ला के अपने पास में रख लें
अपना समय समय पर देते रहें, तुरंत रिलैक्स मिलता है। टैबलेट की जरूरत नहीं होती उनमें, वो अल्कोहलिक आती हैं वो देते रहें, बहुत बढ़िया रिजल्ट है उनके। लेकिन सबसे बड़ा नाम ऊपर वाले का है, बहुत ज़्यादा भी अपने घर की डॉक्टरी ना दिखाएं। अगर आपको लग रहा है थोड़ा मामला बिगड़ रहा है या सीरियस लग रहा है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। ये जो दोस्तों मैंने टॉनिक ला के दिए, ये दो डॉक्टरों की सलाह से दिए तो कटड़े को तुरंत रिलैक्स मिला, सेहत बहुत बढ़िया बन गई। लेकिन दोस्तों ये बहुत जल्दी मोटा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये पतला ही टाइप है और काम इतना ज़्यादा चल रहा था। अभी बीच में आपने देखा हमने कई दिन इससे जुताई कर दी कैडी करके, तो इसे आराम कम ही मिला। लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा है कि भाड़े में पिटा हुआ है, धीरे धीरे ही रंग आएगा। और इसकी जो मांस है वो बिल्कुल सूख चुका था, हड्डियों पर सिर्फ खाल टिकी हुई थी, तो ये बन का आएगा और सर्दियों तक ये इतना बन जाएगा कि इसकी जोड़ का झोटा मिलने का नहीं। तो दोस्तों वही बात है, इसकी वजह से हमने अपना कटड़ा भी सेल कर दिया। तो दोस्तों इसी के साथ में विदा लेते हैं, आगे भी आपके साथ में कोई ना कोई बात शेयर करेंगे और जितनी भी दवाइयाँ हैं वो भी ढूंढ कर आपको दिखाएंगे। खेत में चलते हैं, धन्यवाद, जुड़े रहिए है।